तो हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। आपको मैं मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ। और ये है हमारी प्यारी सी बैल्कनी। कुछ ऐसा सा व्यू है पूरे डैम का, मेरा डैम है पूरा। सभी अंदर चलते हैं, इनको उठाते हैं। तो टाइम बहुत हो गया और ऊपर से 10 बज चुके हैं और ये अभी तक सोए हुए हैं। उठो ए, सोने आए हो बेंचो यहाँ पे? मर कर यार, आ जा सोने दे। उठ यार, सोने दे, हाथ थोड़ दे, सोने दे बस। भाई 10 बज गए यार, क्या कर रहे हो तुम? देखो कितने डीट होंगे ये। सोने आए हो भाई यहाँ पे? तुम क्या सोने आए हो मेरी साथ? तो हैं साले 10 बज के, जाना कहीं नहीं जाना है? जाना है तो उठ फिर, थोड़ी देर, 5 मिनट। क्या बोल रहे हैं आपके सामने है, डीट के डीट है ये। सो जाते हैं ना, एक काम करते हैं, अब घर रात को घर निकलेंगे यहाँ से। और चमेरा डैम की सड़क देख सकते हो, वहाँ से हम कार को लेके जाएंगे नीचे को। पहले तो चमेरा डैम घूमते हैं, बट फिलहाल तो व्यू बहुत प्यारा है यार। एंड धौलाधार रेंजेस तो आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। सो बस अभी रूम वगैरह हमने चेकआउट कर दिया था और अभी नीचे साइड जा रहे थे हम, चमेरा डैम की साइड। सो नीचे साइड कोई शॉप्स वगैरह भी नहीं है, भूख भी बड़ी लग रही थी। तो अपने को बोले खाना खा लेते हैं, आलू के परांठे जो यहीं खा रहे हैं हम खाना। सो अभी आलू के परांठे वगैरह कराए हैं। भूख लग पड़ती है मेरे को ज़रा। इसको नहीं, सबको लग पड़ती है वैसे। तो अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं नीचे साइड। एंड व्यू आप देख सकते हो यार कितना। चैंग भाई हमें ड्राइव कर रहे हैं, आप बोलना चाहेंगे सर कुछ? इसको मुंह धो पानी से, नींद आ लगी थी। तो ये है पूरा डैम, डैम के अंदर हम एंट्री ले लिए हैं। एंड ये है एनएचपीसी का है सारा। वैसे यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं होती है, बट हम कार के अंदर तो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे खड़े होने के लिए मना करते हैं कि साइड साइड में, हम गाड़ी थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये पूरा डैम ने पानी रोक के रखा हुआ है, उसके लिटरली हम उसके ऊपर से चल रहे हैं। ये पूरा रैम्प है और वो सारा पानी इकट्ठा है वहाँ पे। सो पहुँच गए हम अब डैम के पास। मेन उसमें डैम में खड़ी नहीं की गाड़ी। सो ऐसा कुछ रोड है ये, एंड ये सारा डैम है। काफ़ी वाइड सा है ये, एंड काफ़ी गहरा टाइप का डैम है यार। मज़ा आ रहा है इसको देख के। अक्षय चल, चला गाड़ी। क्या हो रहा है? मैं आगे थोड़ा बड़ी रास्ता देखते हैं, चल जाना आज घर। रुकने की सोच रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। वैसे अभी हमें पता नहीं है कि हमने रुकना है यहाँ पे कि नहीं रुकना है, मन पे डिपेंड करता है। क्या बोलता है? वही तो है, अब रुकेंगे तो ठीक है, नहीं रुकेंगे तो घर चल जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक्स्ट्रा ब्लॉग वगैरह आ जाएंगे। रुकना है सर? चल सर रुकना आज। हाँ यार, आप रात का पता थोड़ी कहाँ होगी। अभी कुछ नहीं बोलेगा, इसको पैसा चाहिए अभी। उसके बाद बाकी लाभ दे देगा ये। ओ यार, एक बार ये बोर्ड में पिटा के बोलेगा। उसके बाद आज साले, उसके बाद मिलने का पहन। उसके बाद बोलेगा, अब बोलो बोल।
बता नहीं सकते मुझे अब गाइस अभी हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अभी बोटिंग करने जा रहे हैं हम और थोड़ी बहुत फट रही है हमारी तो जैंग वो डर रहा है तो अभी हम नीचे साइड आए हैं एंड यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है पूरी अभी देखते हैं एक स्पीड बोट है और एक फैमिली बोट टाइप की है तो अभी स्पीड बोट में करेंगे तो लाइफ जैकेट डाल ली अब सीधे जाएंगे अब यहाँ से डायरेक्ट स्पीड बोट मोटर पे टिकट सी है 500 की दोनों ने पर बंदा सो 1500 में ठीक है तीन बंदों के लिए वो नहीं डर तो नहीं लग रहा फट तो गया बट मज़ा तो फुल पावर आने वाला है यार खुश हो गया अभी है ना खुश हो गया पहले बता ये है फैमिली बोट्स हैं ये भी फैमिली बोट्स हैं ये दो स्पीड बोट्स हैं सो इसमें जाएंगे अभी हम इट्स गोना बी फन गाइस यमा का इंजन है ये 4-stroke तो आगे मैं सिनेमैटिक्स ही डालने वाला हूँ सो अब मिलता हूँ आपको सिनेमैटिक्स में सफर का ही था मैं सफर
अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत मजा अल्टीमेट तो यार काफी फन राइड थी, अंकल ने हमें बहुत अच्छा एंजॉय कराया और लिटरली ऐसे लग रहा था कि ये पलट जाएगी और हम गिर जाएंगे डैम में, बट हो गया ठीक ठाक। और 8 मिनट की ट्रिप थी तो काफी मतलब डैम का व्यू लिया हमने। यहाँ पे पॉट में लग चुकी है अभी, ये काफी मजा आया, बट अंकल के पास कंट्रोल भी बहुत अच्छा था। फिर कैसी फीलिंग थी? मस्ट टाइम जरूर ट्राई करना, भले 500 रुपए की टिकट है पर वर्थ इट है। सबसे ज्यादा बोनी डर भाई, मैं भी डर हूँ ठीक ठाक ही। मेरे को लगा तैरने भी नहीं आता हमें ना एक तो।